वो देखो वाइकर वाइकर कितने रहेंगे अंदाजे? 5 रहेंगे। वाओ सुपर, कैसे करेंगे? नहीं मैं जाऊंगा नहीं, क्या उतरूंगा इधर पूरे तरीके से। अरे बाप रे, नमस्ते सत श्री अकाल साथियों। यहाँ एक एरिया है, एक कोंडपा जिसका गांव का नाम है, तो यहाँ पर यहाँ के जो एक किसान ने हमें कॉल किया था, तो यहाँ पर सांपों का एक झुंड देखा उसने। अपने जो पानी जो सिंचाई के लिए जो टैंक बनाया हुआ है उसके अंदर 4-5 अजगर है उसने कहा है। चलिए देखते हैं किस तरीके का एडवेंचर का सामना हमें करना पड़ेगा। बने रहे वीडियो में, आपका भी भरपूर मनोरंजन होगा और एडवेंचर होगा। ये देखो ये दिख रहा है लाइट आता है, देखो उसका यहाँ छोटा बच्चा दिख रहा है। वो देखो वाइकर वाइकर कितने रहेंगे अंदाजे? 5 रहेंगे। 5-4 रहेंगे है ना? उसमें छोटे से क्या पूरे पूरे छोटे ही है? बड़ा है, बड़ा देखे थे क्या? वो देखो बड़ा मुंडी का है, गया नीचे। किधर है? किधर आता देखो, अभी एक बड़ा है बोलते फारूक, बड़ा है। हाँ हाँ अच्छा, तो ये दो दिख रहे छोटे, उधर एक जा रहा है, वहाँ एक जा रहा है, वहाँ एक जा रहा है। हाँ कैसा करेंगे अभी? भैया मैं उतरन दे उतरता। हाँ उतर देख, बड़ा आ, बड़ा उधर बड़ा दिख गया, वो गया अंदर गया। अभी तो अंदर गया तो तुझे बैठ करे तो क्या करे? उधर देख, उधर वो देख, वाओ सुपर। कैसा करेंगे? नहीं मैं जाऊँगा नीचे उतरूंगा। फिर कैसा आ रहा है इधर ड्रम के ऊपर? भाई पैंट गेंट पूरा नीचे छोड़ो, बैठ किया तो भी बाइट किया तो भी पैंट को लगता है? लगता है, लगता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं, एक काम करो, प्रॉब्लम नहीं है, वो गंबोट डालो पानी में कचो। थोड़ा देखिए, अभी बहुत खतरनाक एडवेंचर होने जा रहा है। इसके अंदर 4 या 5 हो सकते हैं, तो एक बड़ा है इसमें, कितना बड़ा है पता नहीं चल रहा, पर ये जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए। पहले मैं इसे निकालता, डब्बे में डाल, दबा के तू दबा लेकर दबा। ये देखो छोटा सा बच्चा, स्मॉल साइज। और एक इधर ही है, और एक देखो, वाओ वो भी दो, वो भी दो, वो भी दो, दो हुए। ये देखो दो बच्चे निकाले हमें, पहले उनको डब्बे में डालो। वो देखो बड़ा वाला उधर दिख रहा, देखो मुंडी खाने, वो देखो बच्चे डाल रहे हैं हमें। ढक्कन डाल, ढक्कन डाल, ढक्कन डाल, डालना पड़ेगा। इसके अंदर बड़ा भी है, तो बड़ा वाला किधर है? बड़ा निकालेंगे ना। छोटा और दो है, वहाँ एक छोटा, वहाँ एक छोटा है, और इधर एक कोने पे भी एक है। किधर है? वो कोने पे भी एक है, वहाँ एक है ना। हाँ उधर, इधर देख, हाँ इधर एक है। तो नीचे उतरेंगे तो बड़ा वाला अटैक कर क्या करता? मैं देखूंगा ना, कोशिश करूंगा। तेरा गंबूट है इसलिए, इसका गंबूट है इसकी वजह से मैंने मेरे स्टूडेंट फारूक को अंदर जाने के लिए दिया। तो चलो बच्चा, और एक ये अभी तीसरा है, किधर है? बड़ा वाला, बड़ा वाला पहले छोटा निकालेंगे। हाँ ये अभी थर्ड वन है, और एक किधर है दिख रहा? तू इधर आ, इधर ले, उधर जाने को, उधर जाने को, उधर जाने को, बड़ा इधर ही है। हाँ और एक छोटा किधर है बच्चा? यहाँ 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 देख, यहाँ दिखाई दिख,
और एक बच्चा मिला। ये बहुत ज़्यादा ही कर रहा है। चार हुए टोटल, छोटा वाला और है कि देख, बड़ा बाद में हाथ लगेंगे, और छोटा है कि देख। छोटा छोटा नहीं दिख रहा है, इधर है पता नहीं, और किधर किधर अंदर कुछ है। सबसे बड़ा वाला है, सबसे बड़ा वाला है एकदम, इसकी मुंडी इतनी बड़ी दिख रही है। कहाँ है अभी दिख रहा है, इधर अंदर दे रहा है। ये दे उसको, बे हुक दे, हुक दे, हुक दे, हुक दे, हुक दे, हुक दे, हुक किधर गया। हाँ साथियों बने रहिए वीडियो में, अभी हमारे फारूक जो है उसको हुक से टटोल रहे हैं। हाँ इधर अंदर बैठा, इधर 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 अंदर बैठा है फारूक, उसको टटोल रहे हैं शायद। अरे अरे छुका रे भाई, इधर ही इधर चले, इधर नीचे तो नहीं गया ना ड्रम के। नहीं 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 मिल रहा नहीं, नहीं नहीं है इधर ही है। नहीं इधर नहीं है, इधर ही है। पानी जो है इधर देखो, इधर में इधर इधर अंदर इधर आएगा देख इधर। ये जो पानी है इसको स्टोरेज करके रखा हुआ है, इनके गाय बकरियां और बहुत सारे इनके जानवर है, और एक खेत है ऊपर, एक स्टेप है यहाँ। ये इधर है, इधर है, इधर 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 है, इधर है, इसके अंदर है। उठा के देख, है है नहीं, रुको 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 रुको, यहाँ यहाँ देख, इसका मुँह दिख रहा है एकदम एकदम, इधर है पूरे तरीके से। अरे बाप रे, पानी में मेरे बाप रे, ये देखिए कितना क्विंटल है, बड़ा है। मुंडी लो, मुंडी पकड़ो, मुंडी पकड़ो, पकड़ ले, छोड़ छोड़। ये बिल्कुल ही बहुत इस तरीके से जकड़ रहा है, देखिए फारूक को, ये देखिए पलट गया ना। हाँ देखिए किस तरीके से ये बड़ा है, तो ये कम से कम 6 फुट का तो रहेगा ना, 6-7 फुट है ना। और मेरे ख्याल से ये जो सांप है ये भारी बारिश की वजह से, आप बैठो शंकर भाई, ये इधर लाओ, उधर ला, भारी बारिश की वजह से इनके बिलों में पानी भरने की वजह से ये बिलों से बाहर आ गए, और ये इतना बड़ा खेती है यहाँ पर, ऐसे ले कई अजगर होंगे, तो ये अजगर यहाँ से शिकार के लिए आते हुए ऊपर से जा रहा होगा, तो डाउनल है, यहाँ दिखाएँ थोड़ा, ये ऊपर से डाउनल है, तो यहाँ थोड़ा भी गड्ढा है बल्कि इधर दिखाई नहीं देता, ये देखो इधर गड्ढा है बल्कि दिखाई नहीं देता, तो इसके वजह से ये लोग गड्ढे के अंदर किस तरीके से आए पता नहीं, शायद ये मेंढक वगैरह खाने के लिए आया होगा, और आने के बाद में ये इस गड्ढे में फंस गया, ऊपर आने के लिए इसको चांस नहीं था, तो हमारे दोस्त ने इसको देखा और मुझे कॉल किया, तो अभी हम लोगों ने इसको रेस्क्यू किया, और इनके साथ साथ ये जो चार छोटे बच्चे हैं उसको भी हमने रेस्क्यू किया, तो अभी हम लोग इसको ले जाकर जंगल में छोड़ेंगे, और ये छोटे से गड्ढे से इसको हम निकाल के इससे बड़ी नदी में हम इसको ले जाकर छोड़ने की कोशिश करेंगे। बने रहिए वीडियो में, भरपूर एडवेंचर का आपको सामना करना पड़ेगा। चलिए, अरे ये तो लपट लिया मुझे, ये देखिए इतना ताकत से भेजता है, जब तक मैं इसकी मुंडी पकड़ा रहूँगा तब तक ये मुझे दबाता रहेगा इसी तरीके से। ये देखिए इसकी कितनी खतरनाक जकड़ है, ये देखिए साथियों, अगर ये गर्दन पर लपेट लिया तो जान लेने तक छोड़ेगा नहीं, तो ये मेरा पैर है, तो मैं खुशनसीब हूँ कि इसने पैर को जकड़ा, तो अगर ये मेरी गर्दन लपेट लेता तो शायद मुझे जान से मार सकता था। तो चलिए इसको मैं निकालने का थ्योरी बताता हूँ, इसको देखिए इस तरीके से कॉइल खोलना पड़ेगा, इसको हम लोग इस तरीके से कॉइल खोलना, खींचा ताने नहीं करना, बस इसका कॉइल अपोजिट साइड में खोल देना, हम बैग उधर है, बैग पहला ये डालेंगे इसका, तुम्हारा बॉडी डूम डाले डूम डाले, बरसात के मौसम में इतनी घनघोर बारिश यहाँ पर सह्याद्री पर्वत में बेल्ट में होती है, ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ बहुत बारिश होती है, तो ऐसे बारिश के मौके पर ऐसे ऐसे हमें खतरों का सामना करना पड़ता है, तो आज एक हम कामयाबी के साथ अपना मिशन पूरा किया, और तो चलिए इसको जंगल में छोड़ते हैं, और उधर भी आपको हम इस वीडियो में शामिल करेंगे।
साथियों ये इनके लिए एक आदर्श जगह है। तो बरसात के मौसम में ये जो गड्ढे हैं ये पानी से लबालब भरे हुए होते हैं और ये जब तक बारिश इधर है ये इसी को अपना आशियाना बनाएगा और यहीं पर ये अपने शिकार को पकड़ के अपने भोजन की आपूर्ति करेंगे। और पहले हम इस छोटे जो चार सांप हमारे को मिले हैं अजगर के बच्चे इनको हम छोड़ेंगे बेबी पाइथन को। तो ये यहाँ पर मेंढक और दूसरे जो छोटे छोटे कीड़े होंगे उनको खाएंगे मछली मेंढक। दोनों को एक साथ हम लोग यहाँ रखेंगे। तो अभी इन छोटे अजगरों को तो हमने छोड़ दिया, ये बड़ा जो है इनका बादशाह है। तो ये एक 7 फीट का है। इनमें पांचवा है तो ये सबसे बड़ा है तो इसको हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। से पानी में तैरने की क्षमता रखता है, इतना मजबूत तैराक होता है ये। देखिए उतार कर सांस लिया, अभी और जाएगा। ऐसे पतवार की तरह आपने अभी कहाँ गया पता ही नहीं चल रहा। तो इतनी अच्छी तैराकी ये जानता है, कुदरत की दी हुई इसको ये कला है। तो अल्लाह ताला ने हमको ट्रेनिंग लेने का मोहताज बनाया, इनको ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं रहती, ये जन्मजात स्किल्ड होते हैं तैरने में, शिकार करने में और सांस को रोकने में। तो चलिए हम एक अच्छा काम करने में, अपनी भूमिका निभाने में, अपने जो हमारी जो भूमिका है उसको सही तरीके से हमने निभाया। तो इसी बात से हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप ऐसे अनोखे अनोखे जानकारियों भरे वीडियो से महरूम ना रहें। तो चलिए हम विदा लेते हैं आपसे यही कहते हुए, सेव नेचर सेव स्नेक सेव एनिमल।